प्यारे दोस्तों, आज मैं हिंदी की पुस्तक दूरबा का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है कलम। आज के इस वीडियो में आप लोगों को शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला पाठ, जिसका शीर्षक है कलम। पहला शब्द अनार, इसका प्रोनाउंसिएशन अ, ना पर आ की मात्रा ना, र, अनार। दूसरा आम, आ म आम, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बड़ा आ म आम। तीसरा शब्द मकान, म का पर आ की मात्रा का न मकान। अगला नल, न ल नल। क्वेश्चन नंबर दो, पहचानो और बोलो। जैसे क ल म कलम, या का पर आ की मात्रा का, ला पर आ की मात्रा ला काला। इस तरीके से आप अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सुनो और बोलो। जैसे आम, बड़ा आ म आम, का पर आ की मात्रा का न कान, का पर आ की मात्रा का म काम, ना पर आ की मात्रा न क नाक। इस तरीके से आप इन शब्दों का भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए हुए वर्णों को लिखने का अभ्यास कीजिए। अपनी बुक को ओपन करते हुए और कॉपी को लेते हुए आप इन शब्दों को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, चित्रों के अधूरे नाम पूरा करो। पहला अक्षर है ना पर आ की मात्रा न, अगला शब्द हो जाएगा क नाक। दूसरा है माला लिखा हुआ है, तो मा पर आ की मात्रा मा, ला पर आ की मात्रा ला माला। तीसरे फिगर में मकान दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा म का पर आ की मात्रा का न मकान। छठा क्वेश्चन, कि घड़े में से वर्ण एवं मात्रा को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो। जैसे नल और कलम लिखा गया है, तो दो वर्ण वाले शब्द हो जाएंगे, जैसे न और र नर, या बड़ा आ म आम। तीन वर्ण वाले शब्द हो सकते हैं, जैसे क म ल कमल, अ ना पर आ की मात्रा ना, र अनार। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस चैनल को ऐसे ही एनसीईआरटी के सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।